पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल जनपद की चंदोसी तहसील क्षेत्र के गांव में ग्रामीणों ने लगाए, यह गांव चौकीदार का है, ये चोरों का प्रवेश वर्जित है की फ्लैक्सी। देश भर में आम चुनावों की धूम मची हुई है और हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद संभल में एक गांव ऐसा भी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराए गए कार्यों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर पोस्टर लगा दिए हैं कि यह गांव चौकीदारों का है, यहां पर चोरों का प्रवेश वर्जित है। इस विषय में जब ग्रामीणों से बात की गई तब उनका कहना था कि यह पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हम सब गांव वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से प्रभावित हैं और सभी दल के नेता भ्रष्ट बेईमान हैं, इसलिए इस गांव में भाजपा के नेता के अलावा सभी दल के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। वीर सिंह किस गांव में रहते हैं? इसी गांव में, रामरायपुर में। आपने अपने गांव में बोर्ड लगाया है? हाँ जी। यहाँ चोरों का आना मना है, ये चौकीदारों का गाँव है। हाँ, तो ये क्या है मामला पूरा? ये पहले से गांव बीजेपी का रहा है और बीजेपी का चौकीदार से मतलब है मोदी से, और अन्य पार्टियां चोर हैं, चोर का अर्थ लगा रखा है अन्य पार्टियों से, इस वजह से अन्य पार्टियां आती नहीं है। बोल तो अन्य पार्टी के लोग यहां वोट मांगने आए? आए। क्या कहा आपने उनसे? हमने कहा हम बीजेपी के लोग हैं, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी ईमानदार पार्टी है अन्य पार्टियों के मुकाबले, अन्य पार्टियों में सब दलाल लोग घुसे हुए हैं, इसलिए बीजेपी को पसंद करते हैं मोदी को। अन्य पार्टियों के बारे में, अन्य पार्टियां चोर हैं। तो आप अपने गांव से पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को? पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी। अगर अन्य पार्टी के वोट लोग यहां वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगे? बहिष्कार। ये एक ही गांव में नहीं लगी है, मेरी चंदौसी विधानसभा में बहुत जगह लगी हुई है कि चोरों का आना वर्जित है और पूरा गाँव जो है चौकीदार है। चौकीदार का मतलब है एक सजग रहना, चौकीदार का मतलब है उनके अंदर इस तरीके के भावना आ जाना कि हमारे गांव पे जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन देकर उनको अपनी तरफ आकर्षित ना करें, वो अपने अनुशासन के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं। और आज जो मोदी जी के लिए इतना अपशब्द बोलते हैं कि चौकीदार चोर है कि यह है, आज पूरा हिंदुस्तान उन्होंने चौकन्ना कर दिया और उसी चौकन्ने के कारण आज हमारी सरकार जो है वो बन रही है, बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। प्रत्येक ग्रामवासी के अंदर ये भावना हो गई है कि मुझे अपने गांव की पूर्ण रूप से चौकीदारी करनी है जिससे कोई भी गलत कदम इधर हमारे गांव में ना आ जाए, उसका कोई प्रभाव ना पड़े। ये है मतलब चौकीदार, चौकीदार के मतलब होता है कि एक जिम्मेदारी समय के गांव की रक्षा करना है या उसको करना, और चोरों को फिर जो है जब चौकीदार चौकन्ना रहेगा जो है तो चोर गाँव में नहीं आएंगे। चौकीदार का मतलब ये है, चोर मतलब जो है और पार्टियां हैं जैसे वो सारी चोर हैं, भ्रष्टाचार उनके अंदर है, भ्रष्टाचार है, बहुत सी चीजें हैं जो है वो जातिवाद फैलाती हैं। मोदी के अंदर ऐसी कोई वाली बात नहीं है, वो सबको जो विकास किया है वो सारी जातियों को साथ लेकर चले हैं, सभी का विकास किया है। वोट मांगने आए आपसे? वोट मांगने और पार्टियां आई थी, क्या हुआ? उनको मना कर दिया कि आपको